स्टार एक्टर्स की वध रही फीस में लेके हुण करण जौहर की एक स्टेटमेंट सामने आई है। सो दस दिए कि पिछले लंबे समय तो स्टार एक्टर्स के वलों मूँह मंगी कीमत मंगी जा रही थी, जिसके कारण एक्टर्स और डायरेक्टर्स को काफ़ी परेशानी हो रही थी। सो इस विचकार हुण फिल्म मेकर जोया अख्तर ने करण जौहर को एडवाइस किया है। सो करण जौहर ने भी बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल जोया अख्तर के इस बयान को लिता है। करण जौहर ने हाल ही एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिस दे विच उन्होंने साफ तौर पर कह दिता है कि जेडे एक्टर्स उन्होंने वो मूँह मंगी कीमत मंग रहे ने या फिर अपने हिसाब के नाल बजट तय कर रहे ने, उन्होंने करण जौहर को गरंटी देनी होगी कि वह फिल्म के बजट के नालों वध कमाई करेगी फिल्म। सो इस चीज़ को लेकर हुण करण जौहर के वलों कह दिता गया है कि जेकर फिल्म का बजट 40 करोड़ है तो एक्टर को वादा करना होगा कि फिल्म 120 करोड़ कमाएगी तो ही मूँह मंगी कीमत दी जाएगी, अदरवाइज़ फिल्म के एक्टर्स नू जड़ा कास्ट नहीं किया जाएगा। सो अपने हिसाब के नाल प्रोड्यूसर अते डायरेक्टर जड़ा है कास्ट नू जड़ा फीस दिती जाएगी। सो इस चीज़ को लेकर हुण जोया अख्तर के वलों जड़ा करण जौहर को यह सुजेस्ट किया गया सी। हाल ही दे विच एक रिपोर्ट के अनुसार इस दे विच कहा गया है कि जोया अख्तर करण जौहर को सुजेस्ट करती है। जोया अख्तर के वलों कहा गया है कि करण जौहर को जड़ी एक्टर्स नू मूँह मंगी कीमत देनी बंद करनी पवेगी। सो इसते ही हुण करण जौहर ने कहा है कि मैं हुण कीमत देनी बंद कर दी, अपने हिसाब के नालों सिर्फ एक्टर्स नू जिहड़ा है कीमत दे रहे ने, तो उसते ही मूँह मंगी कीमत खास तौर पर जिहड़े एक्टर्स या जिहड़े स्टार एक्टर्स अपने हिसाब के नाल कीमत मांग रहे ने अपने एक रोल नू लेके या फिल्म नू लेके या अपना किरदार देख के, हुण वो सब कुछ नहीं होगा क्योंकि जो प्रोड्यूसर अते डायरेक्टर एक लिमिट सैट करेंगे एक एक्टर की कि इसनों इन्ने ही चार्ज किए जाएंगे, उसके हिसाब के नाल हुण एक्टर नू जिहड़ी है वो कीमत जिहड़ी है वो दित्ती जाएगी। कह सकते हैं कि वह फीस जिहड़ी है जो एक्टर जिन्नी डिजर्व करता है या किरदार के अकॉर्डिंगली हुण उस एक्टर नू जिहड़ी है वो फीस दित्ती जाएगी। बाकी ये देखना ही होगा कि एक्टर करण जौहर की फिल्म दे विच काम करता है या फिर नहीं, उसनों ये जिहड़ी फीस है वो पसंद आती है या फिर नहीं, ये सब कुछ एक्टर के हाथ होगा। पर करण जौहर के वलों साफ तौर पर गल क्लीयर कर दी गई है कि उन्होंने वलों हुण हाथ जोड़ लिते गए ने अते साफ तौर पर बाय बाय कह दिता गया है कि जेडे एक्टर अपने हिसाब के नाल फीस चार्ज कर रहे हैं या अपने हिसाब के नाल मूँह मंगी कीमत की जिहड़ी डिमांड कर रहे हैं, हुण इस तरह का कुछ भी नहीं होगा क्योंकि जो लिमिट एक प्रोड्यूसर अते डायरैक्टर के वलों सैट कर लिती गई है सिर्फ उन्ने दे विच ही एक एक्टर नू जिहड़ा वो काम जरूर करना पवेगा। तो करण जौहर के वलों हाल ही दे विच अपनी प्रोड्यूस की गई एक फिल्म का जिक्र भी किया गया क्योंकि पिछले कुछ समय पहला करण जौहर ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी किल। सो उन्हें क्या है कि 40 करोड़ इस फिल्म का बजट सी, ते जेडे स्टार एक्टर्स नू उन्होंने अप्रोच किया सी वो भी 40 करोड़ की ही डिमांड कर रहे सी। सो उन्होंने कहा है कि जेकर 40 करोड़ फिल्म का बजट है किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि एक एक एक्टर नू 40 करोड़ ही दिता जाए। उन्होंने कहा है कि जेकर तुसी 120 करोड़ या 160 करोड़ या कह सकते हैं कि फिल्म के बजट के नालों कितने वध दे रिटर्न की जेकर तुसी सानू दावा करते हो या सानू यकीन दवाने कि यह फिल्म इन्ना जिहड़ा है चल लवेगी या कह सकते हैं कि इन्ना रिटर्न जिहड़ा लियावेगी, तो उस तो बाद ही जिहड़ा उन्होंने मूँह मंगी कीमत दी जाएगी। सो किल द एक्सपीरियंस जिहड़ा करण जौहर ने सुजेस्ट किया, तो उस तो बाद जोया अख्तर अते करण जौहर ने आपस बैठ के डिसाइड किया है कि हुण मूँह मंगी कीमत जिहड़ी एक्टर्स नू नहीं दी जाएगी।